राइट डिरेक्शन so, so, right की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या आने वाला है प्लीज बताया ड्रेस आया है यहाँ पे एक हैमर जैसा कुछ आया है यहाँ पे ओके सो आई डो फाइंड अ ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक ओवर हेयर अभी ये फ्रॉक जो है यस सो बेबी फ्रॉक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक तो है कि अराइवल ऑफ़ बेबी गर्ल चाइल्ड दूसरा चीज़ है शायद उसके लिए आप कुछ खरीदारी करने वाले हैं सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन में शायद आपको बनाना आता है ओके okay, कुछ बेबी क्लोथ्स बेबी एक्सेसरीज़ बहुत सारे लोगों के पास वो कला होता है जिससे वो बनाते हैं सो so, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि शायद वो ऑनलाइन में शायद आप बनाओ या आप कांटेक्ट करो ऑनलाइन एजेंसीज़ को और उनके साथ आप कोलैबोरेट करो और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक है थीके? आप जो बनाओगे वो शायद डिस्प्ले में चला जाएगा लोग उससे डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे एंड खरीदेंगे भी बहुत ज़्यादा सो ब्यूटीफुल ड्रेसेस मुझे दिख रहा है फैंसी क्लोथ्स मुझे दिख रहे हैं ओके एंड एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहा है सो आई डू फाइंड कि पहली दफ़ा में मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके जो कला है उसका रिकॉग्निशन ज़रूर होगा इट्स नॉट ओनली अबाउट द ड्रेस बट इट इट कैन बी नल मैटर्स कोई भी मैटर्स पे ये हो सकता है ओके सो आई डू फाइंड कि आपको कुछ ही समय के अंदर बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स दिख सकते हैं ऑन द वॉलपेपर पेपर ऑफ अ फ़ोन डेस्कटॉप या कुछ भी और या रास्ते में भी किसी का सनफ्लावर का बुक ही आपको दिख गया है इस तरह से तो आप मान लेना कि जिंदगी में आपके लिए हैप्पीनेस वेल्थ एबंडेंस ज़रूर आ रहा है एंड देर इज़ अ बेबी बॉय अगेन बहुत ही देखो बेबी बॉय बेबी गर्ल सो so, मुझे दिख रहा है आप अपने बचपन में जैसे होता है ना कि हो सकता है कि आप ट्रेवल करो कुछ ही समय के अंदर नेटिव प्लेस में जाओ अपने गांव में जहाँ पे भी आप पले बड़े हैं ठीक है और आप अपने दोस्तों के साथ जो अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं फिर भी आप उनके साथ मिलो जाके मे भी आप अपने जो एक पर्टिकुलर फ्रेंड थे गेट्स इट्स लाइक ए सिक्स ऑफ कप्स कि आप उनको बचपन से प्यार करते थे लेकिन आप लोग बिछड़ गए थे ठीक है शायद उनके साथ आपका फिर से मुलाकात हो या आपके पास्ट लवर से आपकी मुलाकात होने का संभावना है कुछ ही समय के अंदर एंड यू विल फील सो जॉय एंड सो मच हैप्पीनेस कि खुशिया ही खुशियाँ जैसे होगा यहाँ पे एप्पल आया है फिर से एप्पल और पम्पकिन और समथिंग लाइक ओके ब्यूटीफुल एनर्जी ब्यूटीफुल मैं क्या बोलूँ बहुत सारे शेप्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आई डो फाइंड लाइक पम्पकिन जब भी आता है इसका मतलब यही होता है पम्पकिन मतलब कोरू ये जब भी आता है तभी इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लगता है कि न्यूट्रिशियस ठीक है नरिशिंग बहुत ज़्यादा उपकारी चीज़ें आपके लिए हैं और उससे आपकी जो है ना हमेशा कोई भी नरिशिंग रिलेशनशिप कोई भी नर्चरिंग रिलेशनशिप कोई भी कुछ हमारी ज़िंदगी को और भी अच्छा बनाता है वैल्यूएबल बनाता है जैसे लगता है अगर हमारे लिए कोई केयर कर रहा है तो हमें फील होता है कि वी आर लव्ड एवरी वन वंस लव इन द लाइफ ठीक है चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो चाहे वो अपने पार्टनर से हो एवरी वन केयर एंड अटेंशन सब लोग अटेंशन चाहते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठीक है इन द फ्यूचर अटेंशन मिलता हुआ यहाँ पे भी एक बेयर दिखाई दे रहा है भालू जो काफ़ी प्रोटेक्टिव आई डू फाइंड विल फाइंड अ प्रोटेक्टिव केयरिंग नर्चरिंग एफेक्शन एट एंड वाइफ इन योर लाइफ एंड जो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल देगा मे बी फॉर सम वन इट इज़ द सेकेंड मैरिज और थर्ड मैरिज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ या इट इज़ योर सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इन रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है हम्म hmm. बहुत सारे कनेक्टिंग डॉट्स मुझे दिख रहे हैं डॉट्स जब भी दिखते हैं मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो डॉट्स कनेक्ट करना आपका काम है बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करने से अलग अलग शेप भी बनता है सो so, राइट नाओ यू शुड टेक एक्शन अगर आपको किसी फील्ड में चाहिए कि ग्रोथ हो सक्सेस हो सो ऑफकोर्स यू राइट नाओ यू शुड टेक कुछ लोग पता नहीं मुझे इस तरह का कंट्रीज़ क्यों दिख रहा है आई डोफाइन वन कंट्री ऑस्ट्रेलिया मे बी यू गो देर फॉर योर हायर एजुकेशन और समथिंग या ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक कुछ हो सकता है ओवरसीज मे बी एम्बेसीज और समथिंग हो सकता है कि आपके पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं या आप वहाँ पे जा रहे हो इस तरह से हो सकता है या आपके दोस्तों के साथ आप मिलने के लिए जा रहे हो आई डो फाइंड लाइक दैट यहाँ पे एक हॉर्स है सो ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स किसी को यहाँ पे हॉर्स दिखाई दे रहा है या गणेश जी दिखाई दे रहा है ये बताना जरूर ये वाला फोकस ये वाले इस वाले में फोकस करना इस वाले में

जैसे ऐसा होता है ना कि अचानक हम एक्सपेक्ट नहीं करते बट वो चीज़ हमारे साथ होता है तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि गणेश जी आपकी सारी जो रुकावटें हैं हमारी ज़िंदगी में वो कोर्स दूर करेंगे ठीक है मेरे रीडिंग पे गणेश जी आते ही है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि वो मेरे व्यूवर्स के सारे दुख और कष्ट को दूर करेंगे क्योंकि रुकावट ऐसी चीज़ है जो डिले हो जाता है और वो चीज़ जो हम हकदार है वो पाने में हमें और भी मुश्किल हो जाती है सो तो वो सारे चीज़ दूर कर देंगे निवारण कर देंगे सो तो ये आपके लिए बहुत मज़ेदार बात हुआ और ये बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हुआ कि उनका आना यहाँ पे ओके आई डू फाइंड कि आपके जीवन में बहुत सारे जॉब्स आपने किए हैं लेकिन कोई स्टैटिक या कोई स्टेबल जॉब्स आपने नहीं किया कभी आप ये जॉब कर रहे हैं कभी वो वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसे जॉब आप करने वाले इन फ्यूचर जो पैशनेट फील करेंगे उसके लिए और वो जॉब ही आपके लिए परमानेंट होगा यहाँ पे फिर से बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि आपकी जॉब हो सकता है रिलेटेड टू ट्रैवल हो बिजनेस हो एंड जिसके लिए आपको क्लाइंट्स को मीट करने के लिए जाना पड़े ओके okay. कुछ लोग कार्टून्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप लोग है ना कार्टून्स नेटवर्कस बहुत ज़्यादा देख लेते हो आप लोग मे बी एनिमेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एनिमेशन फ़ील्ड में आपका सक्सेस भी है कुछ लोगों के लिए अगर आप कर सकते हैं ठीक है बाई हेल्प ऑफ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ओके आई टू फाइंड की आप अपने डॉग के साथ अपने फैमिली के साथ एक छोटा सा ट्रिप में जाओगे कुछ लोग एक ओ खरीदने का मन कर रहा है उनको एंड मे बी योर ड्रीम्स आर गेटिंग वरना आपको ड्रीम क्यों आते वरना आपको क्यों ऐसा लगता कि नहीं मुझे ए सी ओ वी खरीदना है सो मे बी यू आर गोइंग टू परचेज दैट फेवरेट कार ऑफ योर्स सबसे ज्यादा फेवरेट कार आप खरीदने वाले यहाँ पे एक मास्क दिखाई दे रहा है जिससे आप फीलिंग्स रखते हैं वो अभी तक कन्फेस नहीं कर रहा है कुछ कारण हैं उसके वजह से या वो अपना आइडेंटिटी बार बार छुपा रहा है ओके okay. अगर कोई आपको आइडेंटिटी छुपा रहे हैं बार बार इट्स नॉट वन टाइम मोर देन वन टाइम तो उससे कांटेक्ट ना रखना ही सही है मे बी वो मे बी दे डोंट वांट टू रिवील देयर पर्सनालिटी और ख़ुद को वो नहीं लेके आना चाहते हैं पब्लिक में वो सब वो सब ना जैसे होता है ना कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि मतलब उसको क्या बोलते हैं हाँ होल में छुप जाना ठीक है गड्ढे में फिर छुप जाना फिर बाहर ना आना डर लोग है इसलिए वैसा करते हैं आपको लगता है आपका प्रॉब्लम है बट ऐसा नहीं सो so, इन सारे लोगों से आपको दूर रहना ही बेहतरीन है धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर ग्रोथ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओके okay, इंट्यूशन से ही आपको पता चल जाएगा कि लोगों के माइंड पे क्या चल रहा है एंड यू विल बी सो मच बेनिफिटेड जिसका इंट्यूशन सबसे ज्यादा होता है वही सक्सेस उसका ही सबसे ज़्यादा है चाहे वो कोई भी फील्ड में हो ठीक है देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन सो व्हाट इज द पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन सेक्सुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन वन एंड अदर वेरी वन इटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू प्लेस आप अपने सोलमेट के साथ डिवाइन पार्टनर के साथ जो इस सेक्शुअल कनेक्शन में होंगे वो कोई वर्ल्गर रिलेशनशिप नहीं दिस इज अ ट्रू स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जहाँ पे सेक्सुअल यूनियन आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको जरूर देगा यहाँ पे एक सेवन जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो सेवन ऑलवेज इंडिकेट्स अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन और यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन यहाँ पे खराब चीज में नहीं है यहाँ पे या आप अपने पार्टनर के साथ ही कर रहे हो सो देर इज नो हार्म इट ठीक है क्योंकि दिस इज योर पार्टनर ओके ओके okay, माफ़ कर दो अननेसरी वो चीज़ों के ऊपर जो पास्ट में बीत चुका है उसको लेके बार बार एक चीज को रखना नहीं है ठीक है सो यू शुड अवॉइड दैट पास्ट चीज़ों को अवॉइड करना ही सही है अगर वो खराब है उसको अवॉइड करो माफ़ कर दो देखो देखो यहाँ पे लोटस है फ्रीडम देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्टेड टू बी रास्ता पूरी तरह से साफ है आपको जो डिसीजन लेना है आप लेना फिर आप लोग ऐसा बताते हो कि मैंने बोला है मैंने आपको डिसीजन लेने के लिए नहीं बताया टेरो इज़ नॉट द थिंग दैट इज गिविंग यू ओके टू टेक डिसीजन और समथिंग दैट इज फोर्सिंग यू कोई फोर्स नहीं कर रहा है कोई आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये ये बात है आपको अगर डिसीजन लेना है लो अगर डिसीजन नहीं लेना है तो मत लेना जस्ट अ गाइडेंस दिस इज ऑल्सो डिविनिटी कैंडल वैक्स प्रडिक्शन इज ऑल्सो डिविनिटी इसको हम उस तरह से देखते हैं इटरनल वे से देखते हैं ट्विन पैशन फ्लुएंस यहाँ पे है कुछ चीजें जो ट्विन का एक स्पेशल पर्पस ही होता है जब तक आप उस पर्पस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हो तब तक ये प्रॉब्लम्स होता रहेगा जब तक आप एक दूसरे के पीछे भागोगे वो भी भागेगा आप भी भागोगे ये तब तक बैलेंस नहीं होगा सो फोकस ऑन वन फोकस ऑन योर वर्क फोकस ऑन योर फ्रीडम फोकस ऑन योर लव आप अपने लक्ष्य में फोकस कीजिए आप अपने ही अपने आप को प्यार कीजिए आप अपने ही जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कीजिए अब देखना आपकी जो बेटर हाफ है दैट इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट वो भी सेम टू सेम वैसे ही होंगे तब जाके रिश्ते बैलेंस होंगे ठीक है so, सो यहाँ पे आप देख रहे हो दो है द वुमेन एंड द मैन इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट ना भले ही दो है बट है तो एक ही आत्मा डिवाइडेड इन टू टू सो so, एक एक दुख और कष्ट में रहेगा दूसरा दुख और कष्ट में रहेगा ही रहेगा ऐसा नहीं हो एक अच्छा रहेगा तो दूसरा अच्छा ही रहेगा तो हमको क्या कोशिश करना है कि हम अच्छे रहें तो डिवाइन काउंटर पार्ट हमारे जो है वो भी खुद अच्छे ही रहेंगे एंड उसकी वजह से हमारे काम बिगड़ना नहीं चाहिए हमारे हाथ से मौके चले जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए राइट तो हमारे हाथ से मौके जाएंगे उसके हाथ से भी मौके जाएंगे reflection or a mirror reflection so this is all about today's reading guys i hope you like it and if you like please do share subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity terror six for truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care of yourself thank you